बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर चाहिए और क्या। तो चलिए, एक ही चीज़ का अनेक अर्थ आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है आप जैसे सब्सक्राइबर की हमें ज़रूरत है, हमें उन तक अपने ज्ञान का संदेश पहुंचाना है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। चल रहा है क्रैश कोर्स 2023 वाले बच्चों के लिए, कैलकुलस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स 12 क्लास के लिए माना जाता है। उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट चल रहा है बुआ सा, अवकलन, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। इफ वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ वाई एलोन। एलोन का मतलब अकेला होता है, मतलब इसके आंसर में हमको इन द टर्म ऑफ वाई एलोन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है उसमें सिर्फ वाई चाहिए, आंसर में एक्स नहीं चाहिए। क्वेश्चन ने मना किया है कि हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करना है, और डबल डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ वाई के पदों में, यानी गलतियों से आंसर में हमको एक्स दिखाई नहीं देना चाहिए। तो चलिए, पूरा का पूरा कहानी आपको हम दिखलाते हैं, अभी शुरू करते हैं। आइए, हम लोगों का फंक्शन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब जब y कॉस इनवर्स x के बराबर है, इसका मतलब कॉस इनवर्स x भी तो y के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी मेरे शरीर का वजन आपके शरीर के वजन के बराबर हो जाए तो आपके शरीर का वजन भी तो मेरे शरीर के वजन के बराबर होगा। यार मैथ्स नाम है, सोचिए, ये थिंकिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है, यही है सब्जेक्ट गणित। तो y अगर cos इनवर्स x के बराबर है तो फिर cos इनवर्स x भी तो y के बराबर होगा। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि cos में इनवर्स लगा हुआ है, अब यह LHS से RHS में शिफ्ट करेगा तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बउआ सा x बराबर cos y। बुझला कि ना बुझला? हाँ, बुझ गेला। चलिए, तो बुझिए, समझिए, अब हम इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। कहिएगा सर, निकालना तो x के रेस्पेक्ट में है, आप y के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? बाद में इसका हिसाब हम लगा देंगे। तो चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y। चलिए, तो y के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये x है तो dx के बटा में dy लगा दीजिए, और ये cos y है तो इसमें भी d बटा dy लगा दीजिए, cos y। ये रहा आपका dx बटा dy प्यारे स्टूडेंट्स, और cos y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस में साइन वाई। याद किए होंगे आप लोग, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, उसी तरह से कॉस वाई का माइनस साइन वाई। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब उलट दीजिए, दोनों पक्षों को उलट दीजिए, मतलब उलट देने का मतलब नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाइए, आ जो न्यूमरेटर है उसको नीचे ले आइए, यानी कि अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। तो ये काम एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा। तो एक चला जाएगा ऊपर और साइन वाई चला आएगा नीचे, और ई माइनस को आप ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर रखिए, और नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे रखिए प्यार से। चलिए, अब डी वाई, अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल गया ना तो आगे इसका हिसाब लगा दिया, अब एक्स के रेस्पेक्ट में आ गया। अब आ गया, ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ प्यारे बच्चों। एक लाइन और इसमें लिख देते हैं, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एक बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, एक बटा साइन थीटा क्या होता है बुआ? कोसेक थीटा। फ्रेम से बाहर नहीं है अभी तो, और लिखा जा सकता है, लेकिन चलिए इस साइड आते हैं। अब हमको
पुनः अवकलित करने पर, पुनः अवकलित करने पर, अंग्रेजी में बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो चलिए भैया डी बटा डी एक्स लगा दीजिए आप किस में, तो डी वाई बटा डी एक्स में भी, डी वाई बटा डी एक्स में भी लगा दीजिए, और डी बटा डी एक्स कहाँ लगा दीजिए, माइनस अपने जगह पर, और डी बटा डी एक्स कहाँ लगा दीजिए, कॉसेक वाई में, कॉसेक वाई में लगा दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब डी वाई बटा डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसी का वैल्यू निकालना है। अब कॉसेक के साथ है वाई लेकिन डी के साथ है एक्स, गड़बड़ है, तो हम डी वाई से भाग दे देते हैं बउआ सब, और डी वाई से भाग देते हैं तो बदले में डी वाई से गुना कर देते हैं, आ ये जो डी एक्स है आगे बढ़ गया। इसको चैन रूल कहते हैं, इसको श्रृंखला नियम कहते हैं, जितना से भाग उतना से गुना, जितना से डिवाइड उतने से मल्टीप्लाई। ठीक प्यारे बच्चों, आया समझ में, आना ही आना है, ना कैसे आएगा रे बउआ, इतना मेहनत किया जा रहा है समझने के लिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग भी। माइनस पहले से है, और कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, आ ये डी वाई बटा डी एक्स जो है, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई है, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉसेक वाई लिख देता हूँ। अब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो माइनस माइनस माइनस, अगर माइनस को तीन बार लिखकर गुना करिएगा तो माइनस बचेगा, तो माइनस, आ कॉसेक गुना कॉसेक तो ई हो जाएगा बउआ सौ कॉसेक स्क्वायर वाई, आ कॉट वाई अपने जगह पर है। आप देख सकते हैं कि मेरा डबल डिफरेंशिएशन भी निकल गया, आ आंसर में सिर्फ वाई ही तो नज़र आ रहा है, इसमें तो कहीं एक्स नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन था कि इफ वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ वाई एलोन, यानी आपको डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालना था किसमें, तो टर्म ऑफ वाई एलोन, तो इसमें तो कहीं x दिख नहीं रहा है, इसका जो रिजल्ट आया इसमें कहीं x तो दिख नहीं रहा है, ये तो सिर्फ y के पदों में है, तो फिर लिख दीजिए, यही होगी आपका आंसर। तो उम्मीद है कि ये मैथ आपको समझ आया होगा, जरूर आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हम है ना, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं भैया, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, कोई तकलीफ हो तो बोलिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, कमेंट में लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, हमको फ़ोन कर लीजिए, भैया हम फ़ोन पर समझा देंगे, अब हम क्या बताएं, मतलब कितना जो भी सेवा चाहिए एकदम मिलेगा, बस आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, और आप भी अपने कर्तव्य से ना चुकिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाना आपका दायित्व है। तो दर्शक महोदय से बहुत इंतज़ार और बहुत क्या बोलते हैं हम आशाएं रखे हुए हैं, तो आप लोग अपने कर्तव्य को निर्वाह जरूर करें, मिलते हैं प्यारा सा वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, टेक केयर।